हेलो आई वन वेलकम बैक टू द चैनल स्कोर विद दीप्ति टूडे वी विल स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थ्री ऑफ एक्सरसाइज फोर पॉइंट थ्री वाट द क्वेश्चन इज लेट्स रीड फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इक्वेशन हमें गिवन है एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इक्वल टू थ्री हमें रूट फाइंड आउट करने हैं गिवन इक्वेशन के इस क्वेश्चन में टू पार्ट हैं फर्स्ट हम इसका स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट तो स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन फर्स्ट ये जो क्वेश्चन गिवन है ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में नहीं है तो इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट हम थ्री को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेंगे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो नेक्स्ट ये फ्रैक्शन में गिवन है हमें वन अपॉन एक्स हम क्या करेंगे एल्शियम ले लेंगे एक्स से एल्सियम आ जाएगा यहाँ वन लगा लेंगे एक्स के डिनोमिनेटर में भी वन लगा, लगा लिया और थ्री के डिनोमिनेटर में भी वन लगा लिया नेक्स्ट इसको सोल्व करेंगे वन को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स आएगा एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्र माइनस एक्स को एक्स से डिवाइड करेंगे वन आएगा वन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस वन को एक्स से डिवाइड करेंगे एक्स एक्स को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे थ्री एक्स इक्वल टू जीरो नेक्स्ट एक्स को जीरो से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो जीरो हो जाएगा तो इक्वेशन क्या बन के आ गई एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो में सेकेंड टर्म जो होती है ये एक्स की फॉर्म में होती है तो थ्री एक्स को वन के प्लेस पे शिफ्ट कर लिया वन को थ्री एक्स के प्लेस पे नेक्स्ट इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट करने के लिए हम या तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज़ कर सकते हैं या फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे तो तो हम लिखेंगे बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है जिससे हम इस क्वेशन के रूट फाइंड आउट करेंगे वो है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए नेक्स्ट ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे ए की वैल्यू है कोफिशेंट ऑफ एक्स स्केयर दैट इज वन बी की वैल्यू है कोफिशेंट ऑफ एक्स दैट इज माइनस थ्री एंड सी इज कॉन्स्टेंटम दैट इज माइनस वन वैल्यू पुट कर देंगे एक्स इक्वल टू माइनस पहले से है माइनस माइनस थ्री इसको हम ब्रैकेट में रखेंगे प्लस माइनस बी की वैल्यू माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस फोर ए की वैल्यू वन बी की वैल्यू सी की वैल्यू सॉरी माइनस वन अपोन में टू ए ए की वैल्यू है वन नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे माइनस माइनस प्लस एक्स इक्वल टू थ्री प्लस माइनस स्केयर रूट थ्री का स्केयर थ्री का स्केयर हो जाएगा नाइन माइनस माइनस प्लस फोर अपॉन टू नेक्स्ट एक्स इक्वल टू थ्री प्लस माइनस स्केयर रूट थर्टीन अपॉन टू थर्टीन का परफेक्ट स्केयर नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे तो आंसर आ जाएगा इसमें एक्स के जो रूट आएंगे वन टाइम इसको प्लस में लिख देंगे और वन टाइम माइनस में लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस का साइन है तो रूट आएंगे थ्री प्लस के रूट थर्टीन अपॉन टू और नेक्स्ट आ जाएगा एक्स इक्वल टू थ्री माइनस के रूट थर्टीन अपॉन टू तो इस क्वारिटी क्वेश्चन के टू रूट आ गए फर्स्ट एक्स प्लस के रूट थर्टीन अपॉन टू एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू थ्री माइनस के रूट थर्टीन अपॉन टू ये था इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट नाओ मूव टू द सेकेंड पार्ट नेक्स्ट सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन गिवन है वन अपॉन एक्स प्लस फोर माइनस वन अपॉन एक्स माइनस सेवन इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी वेअर एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस फोर एंड सेवन फर्स्ट इसमें रूट फाइंड आउट करने हैं तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे एलसीएम आएगा एक्स प्लस फोर एंड एक्स माइनस सेवन फर्स्ट x प्लस फोर को इन टू टर्म से हम डिवाइड करेंगे तो x प्लस फोर कट हो जाएगा तो x माइनस सेवन आएगा x माइनस सेवन को वन से मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस सेवन नेक्स्ट माइनस लगा देंगे नेक्स्ट x माइनस सेवन को x प्लस फोर एंड x माइनस सेवन से डिवाइड करेंगे जैसे कि यहाँ करके दिखा देती हूँ x प्लस फोर एक्स माइनस सेवन अपोन में एक्स माइनस सेवन आप इसको ऐसे भी लिख के कर सकते हो एक्स माइनस सेवन कट हो गया तो एक्स प्लस फोर इसका आंसर आ गया अब एक्स प्लस फोर को वन से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स प्लस फोर बाहर माइनस है इसलिए ब्रैकेट लगा ली इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी नेक्स्ट इसको सोल्व कर लेंगे एक्स माइनस सेवन माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस फोर ब्रैकेट ओपन कर दी और डिनोमिनेटर में हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे एक्स को फर्स्ट हम इन टू टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्केयर माइनस सेवन एक्स अब फोर को इन टू से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फोर एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन अपॉन थर्टी नेक्स्ट माइनस एक्स और प्लस एक्स ये दोनों कट हो तो जाएंगे माइनस माइनस प्लस माइनस के इलेवन अपॉन में एक्स स्केयर माइनस माइनस सेवन एक्स प्लस फोर एक्स इनको एडक्ट करेंगे प्लस माइनस माइनस साइन बड़े वाले का सेवन में से फोर माइनस किए थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू इलेवन अपॉइन्ट थर्टी नेक्स्ट न्योमिनेटर में दोनों साइड पे इलेवन है कट तो जाएगा इलेवन और इलेवन वन आ जाएगा माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू वन अपॉन्ट थर्टी नेक्स्ट इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे अपोजिट कर देंगे डिनोमिनेटर में न्योमिनेटर आ जाएगा न्योमिनेटर में डिनोमिनेटर आ जाएगा हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं जो भी मेथड आपको ठीक लगे आप अप्लाई कर सकते हो तो फर्स्ट इसका रेसिप्रोकल कर देंगे एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट अपॉन में माइनस वन इक्वल टू थर्टी अपॉन वन नेक्स्ट मल्टीप्लाई कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो सोल्व करके आएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट इक्वल टू माइनस थर्टी माइनस को हमने थर्टी से मल्टीप्लाई कर दिया माइनस थर्टी माइनस थर्टी लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हो जाएगा एक्स स्क्र माइनस थ्री एक्स माइनस ट्वेंटी एट प्लस थर्टी इक्वल टू जीरो एक्स स्केयर माइनस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो नेक्स्ट अब इसमें हम फैक्टराइजेशन मेथड से इस इक्वेशन के रूट फाइंड आउट कर लेंगे तो फैक्टराइजेशन मेथड में फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना होगा ए बी एंड सी ए की वैल्यू है वन कोफिशंट ऑफ एक्स स्क्र बी की वैल्यू माइनस थ्री कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड सी इज कॉन्टेंटम नेक्स्ट एक और सी से मल्टीप्लाई करेंगे एक और सी से मल्टीप्लाई करने पर आएगा टू अब टू के ऐसे फैक्टर बनाने हैं जो मल्टीप्लाई करके हमारे पास क्या आए मल्टीप्लाई करके टू आए बट एड सब्ट्रैक्ट करके माइनस थ्री आए टू के क्या फैक्टर बनते हैं टू वन ज़ा टू वन टू ज टू तो वन और टू को हम ऐड करेंगे तो so थ्री आएगा इट मीन्स माइनस टू माइनस वन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा माइनस थ्री ये इसके फैक्टर बनेंगे माइनस टू एंड माइनस वन नेक्स्ट इसको पुट कर देंगे माइनस थ्री को हमने स्प्लिट करना है एक्सकेयर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो माइनस थ्री के प्लेस पे हमने टू और वन पुट कर दिया साथ में एक्स मल्टीप्लाई कर देंगे अब इसको सोल्व करेंगे फर्स्ट टू टर्म्स को हम ब्रैकेट में ले लेंगे एक्स के माइनस टू एक्स माइनस एक्स अब माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर माइनस हो जाएगा इक्वल टू जीरो नेक्स्ट इसमें से एक्स कॉमन लेंगे एक्स एक्स माइनस टू माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो अब एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू कॉमन आ जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो नेक्स्ट x माइनस टू को इक्वल जीरो पुट कर देंगे और x माइनस वन को जीरो के इक्वल पुट कर देंगे x की वैल्यू सोल्व करके आगे टू और x की वैल्यू आगे वन तो रूट आगे इसमें सोल्व करके वन एंड टू तो ये था क्वेश्चन नंबर थ्री का सेकंड पार्ट आई होप इस क्वेश्चन के दोनों पार्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं तो नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं इसी एक्सरसाइज का नेक्स्ट क्वेश्चन